सकते। खास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले दो एनकाउंटर में नारायणपुर और बीजापुर दो एनकाउंटर में एक खास चीज देखने को मिली है, वो खास चीज मैं आपको दिखाऊंगा। कैंप से 300 मीटर की दूरी पर संतरी ने नक्सलियों को सूचना देने के लिए पटाखे फोड़े और अब नक्सलियों के द्वारा आने वाले दिनों में जवानों के कॉम्बैट वर्दी की का उपयोग किया जाएगा और हो सकता है जवानों को भी इस तरह से गुमराह कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साल 2024 माओवादी संगठन के लिए काला साल माना जा रहा है। पिछले चार महीने में बस्तर के कई जिलों में कुल मिलाकर 103 माओवादी अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए हैं और इस वक्त बीजापुर से जो खबर निकल कर आई थी 12 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए थे। ये माओवादियों का शव आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बीजापुर के मुख्यालय में मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। फिलहाल जो जवानों के द्वारा शवों को मुख्यालय लाया गया है और इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों के द्वारा शवों और हथियारों को शो किया गया है। यहाँ मौके पर हम बताएंगे, यहाँ पर कंट्री मेड राइफल भरमाल के साथ साथ ये आप देख रहे हैं हैंडमेड बीजीएल है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो नक्सलियों के द्वारा खुद से तैयार किया गया है और इससे माओवादी हमेशा जवानों पर जब भी हमला करते हैं तो जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कुछ जिंदा सेल हैं और ये इस पर इसे यूज़ नहीं किया गया है, कुछ इस तरह से बनावट होता है हर बार मुठभेड़ या नक्सली हमले में ये देखने को मिलता है। तो अमूमन इस बीजीएल का इस्तेमाल हमेशा नक्सली करते हैं। कुछ कारतूस बरामद हुआ, ये तीर बम आपको देखने को मिल रहा है, वॉकी टॉकी का सेट, टिफिन बम और ये बारूद आप देख सकते हैं, जिलेटिन है और कोडेक्स वायर, साथ साथ हर बार की तरह यहाँ से भी पटाखे बरामद हुए। और हमें जो जानकारी मिली है कि जब जवान ऑपरेशन पर पहुँचे हुए थे तो 300 मीटर दूर जो कैंप से 300 मीटर की दूरी पर संतरी ने नक्सलियों को सूचना देने के लिए पटाखे फोड़े और नक्सलियों को अलर्ट किया, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। तो इस तरह से माओवादी अपने साथियों को अलर्ट करने के लिए पटाखे फोड़ते हैं, जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। और दैनिक उपयोगी सामग्री, कुछ पैसे नज़र आ रहे होंगे, ये सारे कुछ यहीं से बरामद किए गए हैं और इस तरह से कुछ नक्सल साहित्य हैं, अहम दस्तावेज हैं यहाँ पर जो यहाँ से बरामद किए गए। इसमें माओवादी संगठन के द्वारा कैंप में ज़रूरत की सामग्री का हिसाब किताब लिखा गया है, विस्तृत तरीके से ब्यौरा लेने का प्रयास किया गया है और यहाँ पर नई भर्ती, नए संगठन में नए भर्ती को लेकर यहाँ कई अहम दस्तावेज हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले दो एनकाउंटर में नारायणपुर और बीजापुर दो एनकाउंटर में एक खास चीज़ देखने को मिली है, वो खास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जवानों का कॉम्बैट वर्दी है जो सिर्फ जवानों के लिए ही होता है, टेक्टिकल होता है और जो जवान ऑपरेशन पर जाते हैं वो इस वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक खास चीज़ देखने को मिली, ये पूरा का पूरा थान आप देख रहे हैं, ये कोई वर्दी नहीं है, ये थान है। इसका मतलब साफ है कि माओवादी जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने, जवानों को गुमराह करने, जवानों की तरह हूबहू वर्दी तैयार कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन में जवानों को किसी तरह से गुमराह किया जाए, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। ये काली वर्दी ये नक्सलियों की है और ये उस घटनास्थल से बरामद किया गया। इसके कई ऐसे थान हैं जिसमें कॉम्बैट वर्दी के थान नजर आ रहे हैं, मतलब नक्सलियों के द्वारा आने वाले दिनों में जवानों के कॉम्बैट वर्दी की का उपयोग किया जाएगा और हो सकता है जवानों को भी इस तरह से गुमराह कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जवानों की चिंता है, अधिकारियों की चिंता है कि किस तरह से कॉम्बैट वर्दी का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं तो कहीं इससे किसी तरह का बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसके लिए भी कोई रणनीति